पहर के बज चुके हैं 2 और अभी कुछ रखा हुआ है अमरुद एकदम देसी नो बाजार से खरीद के बिल्कुल ना, एकदम पेड़ के अमरुद के पेड़ के नीचे बैठकर अमरुद तोड़कर उसी अमरुद को खा रहा हूँ। सो गाइस वेलकम बैक टू आर न्यू अनदर व्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी जा रहे हैं सबका दूध निकालने और ये सब खा अपना सानी पानी खा लिए और हम अभी जैसे उठे हैं तो जा रहे हैं सबका दूध निकालने। इस तरह है सुबह का एकदम कड़ी की धूप निकली है और मम्मी खेतों में काम कर रही है अपना और ये इधर ये सब हैं तो इन सबका दूध निकालते हैं उसके बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ इस तरह है इन सबका सिस्टम, तो देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं, सबका दूध निकालते हैं फिर उसके बाद करते हैं, कुछ नहीं तो लेट हो जाएगा। तो अभी ये पहली गाय का दूध निकाल रहा हूँ, अभी 4 गाय बची हैं दूध निकालने के लिए और अभी सुबह के बज चुके हैं 7 और ये कैमरा क्वालिटी मेरा बहुत ही घटिया हो चुका है, मतलब बैक कैमरा मेरा बिगड़ गया है इसलिए कैमरा क्वालिटी ऐसा आ रहा है। फ्रंट कैमरा क्वालिटी सही है लेकिन बैक एकदम बेकार हो चुका है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं जल्दी नया मोबाइल ले लूँगा तो कैमरा क्वालिटी भी सही हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं ले पा रहा हूँ कुछ रीज़न की वजह से। तो अभी इस ब्लॉग को एंजॉय करिए और अभी हम आराम से गायों का दूध निकालते हैं। आराम से नहीं, कभी मेहनत लगता है दूध निकालने में, दोनों हाथों के बल निकालना पड़ता है दूध। सबका दूध निकाल लिए हैं और इन सबको अलग अलग स्थान पर बांध दिए क्योंकि लड़े ना, अगर पास में रहेंगे तो लड़ने लगती हैं। तो इन सब का दूध, इन सब का हो चुका है काम ख़त्म सुबह का, अब इन सब का काम आएगा शाम में। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं ना, अभी सुबह के बज रहे हैं, मतलब टाइम हो रहा है 8, अभी जा रहे हैं इधर क्रिकेट खेलते थे उधर का मौसम, मतलब पिच देखने, मतलब पिच तो पूरी तरीके से बिगड़ गई है लेकिन आज जा रहे हैं देखने की मतलब कैसी रहेगी। और वैसे भी 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है, अगर 2 दिन और नहीं हो गया तो क्रिकेट खेलना शुरू हो जाएगा, लेकिन बीच में हो जाता है बारिश तो फिर वही सेम सिचुएशन रहेगा कि मैच नहीं हो पाएगा। तो कुछ इस तरह हालत है पिच का, वहाँ पर एकदम पानी अभी भी डूबा हुआ है। चलते हैं पास में देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं पूरी तरीके से एकदम पानी भरा हुआ है और कीचड़ हो गया है एकदम, ऐसा लगता है कि दलदल। और यहाँ से बैटिंग होती है, बैटिंग साइड तो मतलब गीला है बस कीचड़ है, पर यहाँ जिस साइड से बॉलिंग होती है उधर तो पानी भरा हुआ है और ये कुछ पिच का हाल है। लगता है इस पर क्रिकेट हो पाएगा 2 दिन में, सूख भी जाएगा तो भी नहीं हो पाएगा, बनाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तब उसके बाद इस पर क्रिकेट होगा। और घास काफ़ी अच्छा जमा हुआ है और ये गोबर नहीं रहता तो काफ़ी अच्छा क्रिकेट होता है यहाँ पे इस वक्त, लेकिन बारिश की वजह से मैच नहीं हो पा रहा है लगभग 10 दिन से। तो अगर 2-3 दिन बारिश और नहीं हुई तो उसके बाद क्रिकेट खेलने लायक हो जाएगा, और मतलब हो नहीं जाएगा, बनाना पड़ेगा। अगर इस बीच बारिश हो जाती है तो फिर लगता है कि बारिश बाद ही क्रिकेट हो पाएगा। और अभी फ़िलहाल कुछ इस तरह है मौसम। तो देखें कि कैसा पीछे, अब चलते हैं घर, यहाँ पर क्रिकेट तो हो नहीं पाएगा जब तक पानी रहेगा। लगभग मैं 5 साल से मतलब इन सब गायों का काम कर रहा हूँ, गायों का मतलब सानी पानी उनका दूध निकाल रहा हूँ, लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आती कि कुछ गायों का सिंग बहुत बड़ा बड़ा होता है और कुछ गायों को सिंग ही नहीं रहता है, कुछ गायों को सिंग ही नहीं होता है, ऐसा क्यों मुझे आज तक नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में करिए। गाय को देख लीजिए, इसका सिंग कितना डबल डबल है, बहुत बड़ा बड़ा है, और इसका सिंग तम को सिंग नहीं है, जो कि इस ये गाय इस गाय से हाइट में बड़ी है लेकिन अभी बैठी हुई है। तो 6 गायें लेकिन जो कि 5 गायों को सिंग नहीं है, नहीं 1 2 3 4 5 मतलब 5 गायों को सिंग नहीं है, बाकी 2 गायों को सिंग है, एक वहाँ पे जो कि बहुत बड़ा बड़ा, उसका भी मतलब सेम साइज़ इतना ही बड़ा है, ऐसा क्यों मुझे खुद ही नहीं पता। अब इसके बारे में यूट्यूब पे देखेंगे वीडियो तब पता लगेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी फिलहाल देख लीजिए, पहर के बज चुके हैं 2 और अभी कुछ करना नहीं है। तो अभी में अमरुद का पेड़ और इसमें अमरुद भी भरा हुआ है, तो चलते हैं तोड़ते हैं उसको खाते हैं, और पका हुआ है एकदम, देख सकते हैं यहाँ पे एकदम पका हुआ अमरुद बहुत है ऐसे, तो तोड़ते हैं उसको खाते हैं। ये तोड़े पका हुआ है अमरुद एकदम देसी, नो बाजार से खरीद के बिल्कुल ना, एकदम पेड़ के
अमरूद के पेड़ के नीचे बैठकर अमरूद तोड़कर उसी अमरूद को खा रहा हूँ। एकदम मीठा लग रहा है। 10 अमरूद तोड़े हैं और बैठकर इन सब के साथ खा रहा हूँ। अगर सबको अलग दे दिया खा रही है, हम अपने अलग खा रहे हैं। इस बात और कुछ है दिखाने को नहीं ब्लॉग में, बस यही सब है जो कि दिखा सकता हूँ, पर मेरा कैमरा क्वालिटी बैक जो है बहुत ही ख़राब है, तो इसके लिए सॉरी। बज रहे हैं 3 और इन सबका काम आएगा 1 घंटे बाद 4 बजे, सबको सानी पानी करेंगे, तो अभी 1 घंटा बाद करेंगे। मौसम काफ़ी अच्छी धूप निकली है, अभी शाम के बज चुके हैं 5 और इन सबको सानी 4 बजे दे दिया था जो कि खा चुके हैं सब। नाक जो है नाक एकदम खाली चुका है, तो अभी 5 बज रहे हैं और 6 बजे इन सबका दूध निकालूंगा, तो अभी 1 घंटा टाइम है, तब तक इनको अलग अलग बांध देता हूँ। तो अलगा दिया इन सबको और अभी 1 घंटा का टाइम है, तो हम चलते हैं कहीं क्रिकेट खेलते हैं। आए थे लेकिन अभी आए हैं शाम में, और शाम में इतना मतलब सुबह से ही इतना तेज़ धूप था कि आधा से ज़्यादा ग्राउंड सूख गया है, और बाकी जिधर बॉलिंग फेंकने आए उधर पानी जमा हुआ है, यहाँ तक ग्राउंड सूखा हुआ है लेकिन यहाँ तक पानी, और बच्चे उधर नया पिच बना लिए हैं, उधर क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये हमारे साथ में है वीरेंद्र। ए हम भी खेल। अब तो वीरेंद्र गए अपने घर और यहाँ पे सब क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम भी आ गए हैं खेलने, क्योंकि हम लोग का ग्राउंड तो गीला हुआ है और ये सब नया एक पिच बना है। तो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 8 और अभी हम अपने रूम में हैं। 6 बजे मतलब 5:30 बजे बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, फिर उसके बाद 6 बज गया तो आकर गायों का दूध निकाले, फिर दूध निकाल कर आकर नहाए, नहा कर चले गए मंदिर, मंदिर से दर्शन कर आ गए घर, तो अभी फाइनली आ चुके हैं घर। तो बस आज के ब्लॉग में यही था, और कहीं गए नहीं थे घूमने, बस घर का ही ब्लॉग था। तो बस इस ब्लॉग को करते हैं इसे खत्म। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।